बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। सरमा, गुस्से को काबू में रखो अपने, क्योंकि इसी गुस्से की वजह से कोई काम तुम ठीक नहीं कर पाती। तुम्हें इन मामलात से दूर रहना होगा। आज से कबीले की खवातीन की नुमाइंदगी इल्बिलके के जरिए होगी। ये मेरा हुक्म है, हर खास आम को दावत दी जाए, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जाए, जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा किए जाए, हर किसी को मसर्रत हासिल हो। और तुम सलजान खातून से माफी मांगोगी? हरगिज नहीं। सिरमा, अब अगर एक लफ्ज भी तुमने कहा तो तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं। आज से किसी को भी सरदार आला बनाने का हक अलंजक के पास हरगिज नहीं होगा। न तो उम्रुल्लार इतने ताकतवर हैं कि कुछ कर सके, और न ही अब अलंजक इतना मजबूत है कि ऐसा कर सके। पहले आप अर्तुरुल से मेरी शादी में रुकावट बनी और अब मुझसे जिम्मेदारी भी ले ली। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुछ हत्याना चाहती हैं मुझसे। तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देंगे सुलेमान। तुम मौत की भीख मांगोगे हमसे, बांधो इसे, गार लेकर जाएंगे। उस सलजान की जान तो ले सकती हूं मैं, लेकिन उससे माफी नहीं मांगूंगी। हर कोई देख लेगा कि सिरमा को अगर कोई झुकाना चाहता है तो उसका अंजाम क्या होता है। ये क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। अजीम पहाड़ मुझ पर गिर पड़े। खान मुझे बहुत अजियतनाक मौत देगा। सिपाहियों, यहीं इंतजार करो मेरा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। वालिदा और बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? दादी है मेरी। कौन है आप और क्या चाहिए? मेहमान हैं हम बेटा, दादी से कहो मेहमान आए। हाँ
दादी। हाँ। बाहर कुछ आदमी आए हैं, कहते हैं मेहमान हैं। उन्हें इंतजार मत करवाओ, आने दो बेटा। अस्सलामुअलैकुम मामा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाने का इरादा है? अल्लाह ने भेजा है और उसी के पास जाना है। एक मुसाफिर हूं मैं। बेटा मेहमान की तवाजो करो, जाओ जल्दी दूध लेकर आओ। आखिर कहां रह गया ये लंचक? वो आ रहे हैं सरदार। सबका क्या मतलब है कमांडर? खान का कानून कहता है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करने वाला लंगड़े घोड़े की मानिंद है। दोनों ही बेकार हो जाते हैं, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की वो दुनिया से चले गए। जिम्मेदारी तुम्हारी भी थी, कहकर वो सर संदूक दोनों को खो दिया। तुम कुछ नहीं कर पाए बेबुलाद। उन्होंने मेरे सबसे करीबी साथी का सर काट कर भेज दिया मुझे। इन पेश आने वाले मामलात की एक वजह तुम हो। मैंने तुम्हारे हुक्म के मुताबिक रफाकत की और भरपूर साथ दिया तुम्हारा। मेरे भी करीबी साथी को मार दिया उन्होंने। ये काम तो तुम्हारी जिम्मेदारी था ना कमांडर लंजक? अब हमें आगे क्या करना होगा ये सोचने के बजाय तुमने अपनी तलवार तान ली मुझ पे। संदूक और के कबूस के बारे में जब हलाकू खान को पता चलेगा कि वो तुम्हारे हाथ से निकल गए तो फिर क्या होगा? यहां हर जानिब बरके खान के जासूस फैले हुए हैं। ये बात कैसे कह सकते हो बेबलात? वो तुम्हारे सिपाहियों के भेस में आए थे और वो ये सारे काम अपने बलबूते पर नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई जरूर इनके साथ मिला हुआ है। कौन? अर्तुरुल। अर्तुरुल, उसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? जब सोच से हम रवाना हुए तो अर्तुरुल सरदारे आला बन बैठा। सरदारे आला कैसे बन सकता है वो? कैसे हुआ ये सब? कोई मुजाहिमत नहीं की तुमने? उसने हमारी गैर मौजूदगी में सऊद पर कब्जा कर लिया। मेरे सिपाहियों को हिरासत में लेकर हर तरफ काई कबीले के परचम लहरा दिए। अर्तुरुल ने अपने सरदारे आला होने का ऐलान कर दिया है। ये खातून आपकी बेटी है क्या? नहीं बेटा, ये मेरी बेटी नहीं, लेकिन बेटियों की तरह है। इसके शोहर को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था। उम्मीद से है, ये बेचारी का कोई नहीं है। मैं इसे ले आई देखभाल के लिए। आपके पास कोई मददगार नहीं है? आप तन्हा इस खातून का ख्याल कैसे रखती हैं अम्मा जी? मेरा एक बेटा और बहू थे,
मौत ने उन दोनों को मुझसे दूर कर दिया। जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो हर कोई अपने हिस्से की आजमाइश से गुजरता है और सामने वाले का दर्द वो ही समझ सकता है जो इससे गुजर चुका हो। सही कहा अम्मा जी। बहुत शुक्रिया। मैं यहां से गुजर रहा था कि आपके पोते पर नजर पड़ी तो देखने चला आया। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत शुक्र और कनात होती है। एक उम्र गुजार दी मैंने, ना तो किसी अमीर को शिकमजीर देखा और ना ही किसी गरीब को भूखा। हमारे पास कुछ जानवर हैं और एक जमीन का छोटा टुकड़ा। हम उगाते हैं और खाते हैं। दुनिया की दौलत से कोई मतलब नहीं। मेरे सजदे में दुआ सिर्फ और सिर्फ अर्तुरुल सरदार के लिए होती है। अल्लाह उन्हें हमारे सरों पे सलामत रखे। वो सरदार आला बन के हमारी रिवायात की हिफाजत करते रहे और कुछ नहीं चाहिए। अर्तुरुल सरदार को आप जानती हैं? अगर देख भी लूं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाऊंगी। आप अर्तुरुल सरदार से मदद क्यों नहीं तलब करती? उन्हें अपने हालात बताइए। बताइए कि एक पोता है, खेमे में एक बीमार मेहमान भी है, जो उम्मीद से है। ये सब क्यों नहीं बताती आप उन्हें? मैं अपनी परेशानी बता के और परेशान क्यों करूं? बहुत से गरीब हैं जो हमसे भी बहुत ज्यादा मजबूर और लाचार हैं। बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हम पका सकते हैं और खा सकते हैं जब तक हमारे अर्तुरुल सरदार हयात हैं। जब तक आप जैसी दुआएं देने वाली माओं का साया सर पर मौजूद है, अर्तुरुल सरदार को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। हमने आपका खूबसूरत चेहरा देखा, आपने मेहमान नवाजी की, लेकिन अब इजाजत चाहूंगा। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? और क्या तुम जानते हो अर्तुरुल सरदार को? मैंने उन्हें देखा है अम्मा जी। तुम्हारा रास्ता और मुस्तकबिल रोशन हो। अगर दोबारा उनसे मिलो तो उन्हें बताना कि काराजव उस कबीले के एक पुराने खेमे में एक तुर्क अम्मा को देखा था और बताना कि मैंने दुआ दी है। अल्लाह मेरी उम्र को कम कर दे और उनकी उम्र को दराज कर दे। जरूर कहूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए अम्मा जी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये लीजिए भाई, ये लो मेरे बेटे। नहीं ले सकता। आप क्यों दे रहे हैं ये मुझे? तुम्हें ये देना मेरा फरीजा है और ये तुम्हारा हक भी है। बिल्कुल बेफिक्र होकर ये ले सकते हो तुम। अल्लाह आपसे राजी हो। आपने मुझे खुशी दी है, अल्लाह ताला आपके बच्चों को खुशियां दे। आमीन बेटा, आमीन। ऐसे बहादुर मुजाहिदों की वजह से और दुआएं देने वाली माओं की वजह से यह सरजमीन बाकी है। जालिम इस सरजमीन को हासिल नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह भाई। सिपाहियों से कहो जो कुछ हमारे पास है सब बांट दें। जो हुक्म आपका। तलवारों को जंग लग सकता है, रेवड़ खत्म हो सकते हैं अब्दुर्रहमान, लेकिन मजलूम के दिल से निकली हुई दुआ इतनी मकबूल होती है कि
हमें और हमारी नस्लों को भी मजबूत कर सकती है। ठीक कहा आपने भाई, बेशक। हमारे पीछे जाल बिछाया अर्तुरुल ने, बरके खान के साथ उसने इत्तेहाद करके तुम्हारे यहां से चले जाने के बाद किया ये सब। केका उसको दरख्त पे बांध कर बरके खान के साथ हमला भी किया वहां। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये महज एक इत्तेफाक है? एक बिच्छू के सामने खड़े होकर उसके जहर से नहीं बच सकते आप, लेकिन अगर उसे मारना हो तो उसे आग के दायरे में रख दो, जल्दी खत्म कर लेगा वो खुद को। अर्तुरुल ने भी हमारे साथ यही किया है। बिल्कुल, और मैंने भी आग लगा दी है अर्तुरुल के गिर्द। परेशान ना हो, सुलेमान मेरे कब्जे में है और मेरे चुंगल से बच भी नहीं सकता। लेकिन गुंदोगटू का मुआफीनामा उसके पास नहीं था। तो फिर उसकी जबान का खुलना जरूरी है। गुंदोगटू कहां है अगर ये मालूम हो जाए तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तो अर्तुरुल का क्या करना है? उसका कहना है कि कोई भी उसका हक नहीं छीन सकता। वो मेरे नहीं तुम्हारे खिलाफ है कमांडर। एक बिच्छू आग के दायरे में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी उसका जहर नहीं निकला। उसे आग के दायरे से कैसे बाहर निकलना है जानता है वो। शामदीद सरदार। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद भाई। शुक्रिया बमसी। जांगुच यहां नहीं है? नहीं भाई, यहां नहीं है, दोबारा गायब हो गया है। किले में होगा शायद, वो संदूक ले गए। खबर भिजवा दी है, वो आए तो उसे मेरे पास भेज देना। ठीक है भाई, ठीक है, भेज दूंगा। लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर संदूक में मौजूद मालूमात हमारे लिए अहम नहीं है तो फिर आप उसे वापस क्यों लेना चाहते हैं? ये संदूक उनकी वफादारी का इम्तिहान है बमसी। देखते हैं वो क्या करते हैं उसका। अगर वो उस संदूक को खोलने की कोशिश करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि वो कितने वफादार हैं। समझ गया भाई, समझ गया। सिपाहियों को तैयार कर दो बमसी। अलंजक को जब हमारे स्रोत आने का इल्म होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। तमाम एहतियाती तदाबीर कर लो। स्रोत को हमने तलवार के जोर पर हासिल किया है, जरूरत पड़ी तो इसकी हिफाजत के लिए भी तलवार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, जैसा आपका हुक्म। अब हम क्या करेंगे जनाब? अर्तुरुल ने मुझे सराय बुलाया है। इस हालत में यह संदूक उसे कैसे दूंगा मैं? देख रहा हूं अर्तुरुल का खौफ तुम पर हावी हो रहा है। तुम एक बाजंतीनी कमांडर की तरह उसके मुखालिफ नहीं बल्कि उसकी इताअत करने वाले एक तुर्क सरदार लग रहे हो। हम उसी की वजह से मंगोलों से महफूज रहे। अर्तुरुल बेशक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अभी हमें उसकी दोस्ती की जरूरत है, और यह टूटा हुआ संदूक हमारी दोस्ती को मुतासिर कर सकता है। तुम्हारा काम मुझे नसीहत करना नहीं, मेरा हुक्म मानना है उरानूस। मुझे गलत समझ रहे हैं आप, मेरा मकसद आपको नसीहत करना नहीं। बस करो। उसने जो हमारे साथ किया ये उसके मुकाबले में कुछ नहीं। उसने सिपाही मांगे, हमने उसे दिए। कहेगा उसको हमारी वजह से बचा सका वो, मगर हमें बताए बगैर उसे रवाना कर दिया। हमारा इस्तेमाल करके उसने लंजक से दोस्ती करने की कोशिश की, इसलिए यह दोस्ती एक कर्ज बन गई। हमें अपने तहफुजात का दिफा करना होगा। अर्तुरुल से क्या कहूंगा इस बारे में, कैसे कायल करूंगा उसे?
क्या ये भी मैं सोचूंगा उरानुस? कुछ भी करके ये मामला संभालो तुम। सिपाही को चीते की तरह होना चाहिए। क्या कोई नहीं आएगा हमले के लिए? तुर्गुत भाई माशाल्लाह, आप तो इतने फुर्तीले और मजबूत हैं कि हम में से कोई भी आपसे नहीं जीत सकता यह मुकाबला। तुम लोग इसलिए हार गए क्योंकि देख सकते थे। मैं देखने से कासिर था इसलिए जीत गया। यह कैसे किया आपने भाई? आप सिर्फ अपनी आंखों की वजह से मुतहरिक रहते हैं। अपनी अकल को और हवास को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं अपने हवास की मदद से लड़ता हूं। अहम यह नहीं कि दुश्मन की हरकत पर नजर रखी जाए, बल्कि वो हमला कैसे करेगा ये जांचना है। सिपाही वही है जो हर तरह के हालात में लड़ना जानता है, चाहे रात की तारीकी हो या सरमा की यकबस्तगी, दहकती आग में या फिर गहरे पानी में, चाहे तुम अपनी आंखों से देख भी ना पाओ, तुम्हें अंदाजा लगाना होगा अपनी अकल से, अपने हवास से, कि दुश्मन जंग में क्या चाल चलने वाला है। मामूली सी चरचराहट, हल्की सी ली गई सांस और दुश्मन का हर उठने वाला कदम उसके वार के बारे में आगाह करेगा तुम्हें। समझ गए सब? जी समझ गए भाई। चलो मेरे शेरों, अब अपनी मशकें जारी रखो, जल्दी। सुलेमान का घोड़ा? ये घोड़ा तुम्हें कहां से मिला सिपाहियों? सुलेमान कहां है भाई? ये हमें यिलान की पहाड़ी के करीब गश्त के दौरान मिला था। जल्द से जल्द ये घोड़ा और मकतूब अर्तुरुल भाई तक पहुंचाओ। जो आपका हुक्म भाई। जल्दी जाओ, जल्दी। हम यिलान की पहाड़ी पर जाकर तलाश करेंगे। अल्लाह हमारे सुलेमान की हर हाल में हिफाजत फरमाए। आ जाओ सिपाहियों, तुम अपनी मशकें जारी रखो। सरदार, जबान खोली इसने अब तक? अभी तक नहीं खोली सरदार, बेहोश हो गया था।
ताला उस वक्त तक मजबूत होता है जब तक आप उसे खोल ना ले। लेकिन यह महारत उस ताले की नहीं बल्कि उसे खोलने वाली की होती है। अगर कुंजी पास ना हो तो ताला तोड़ देना चाहिए। मेरी आंखों में देखो सुलेमान, जिस किसी ने भी इन आंखों में झांका है तो वह खौफ से ही दुनिया छोड़ गया। तुम यह अच्छी तरह जानते हो। बदबख्त इंसान, मैं तुमसे हरगिज खौफ सदा नहीं। आंखें नोच लूंगा मैं तुम्हारी। तुम तो कह रहे थे कि इसने कुछ नहीं कहा, देखो कैसे जबान चला रहा है। अब ये बताएगा मुझे कि इसके बाबा और माफीनामा आखिर कहां छुपे हुए हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं बताऊंगा। तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया है अर्तुरुल सरदार, तुम्हें जहन्नम पहुंचा कर रहेंगे। तुम्हें तो मैं ऐसी हैसियत दूंगा जो आज तक किसी ने ना दी हो। अल्बास्ती तुम्हारी दुनिया जहन्नम बना देगा, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं खुद एक अंगारा हूं। खुशामदीद, तो संदूक ले आए तुम यहां? हां बिल्कुल। मगर जैसा चाहते थे वैसा नहीं। क्या हुआ कुछ बताओगे? संदूक टूट चुका है। तेजाब के बहने की वजह से सारे कागजात जल चुके हैं। बदकिस्मती से यह वाजह है कि जबरदस्ती खोला गया है इसे। क्या तुमने किया है ये? नहीं, लड़ाई के वक्त हुआ ये सब। वहीं टूट गया था संदूक। किले पहुंचकर देखा तो सारे कागजात जल चुके थे। अर्तुरुल, बहुत शर्मिंदा हूं कि संदूक तुम तक सही सलामत नहीं पहुंचा सका। हमारा एहतियात मुतासर नहीं होना चाहिए। इसके एवज कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। जब से हमारे इत्तेहाद का मुआहिदा हुआ है बहुत मदद की है तुमने। इस संदूक की वजह से इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब इस संदूक से भी ज्यादा अहम मसला हमें दरपेश है। इत्तेहाद का मुजाहिरा अब सही मानों में होगा। कैसे? अलंजक, उसके हाथों से अब सब निकल चुका है। वो जंजीरों को तोड़कर आजाद होने वाले किसी वैश्य की तरह हमला करेगा। मुझे सरदार आला का मनसब वापस मिलने पर मुझसे इंतकाम लेगा। मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? अपने तौर पर हिफाजती इकदाम कर लिए हैं मैंने। हर तरह से तैयार हूं मैं। तुम भी अपने तौर पर मोहतात रहो। मंगोलों से दोस्ती भेड़िए से दोस्ती की मानिंद है। ये दोस्त नहीं है किसी के।
मिलकर लड़ना होगी हमें ये जंग, और हमें इस महाज पर अपने तमाम जंगी वसाइल इस्तेमाल करना होंगे। जो भी कर सका करूंगा मैं। मुझसे इत्तेहाद करने का फायदा देख लिया है तुमने, अलंजक को किले पर हमला करने से रोका और सरदार आला का मनसब भी वापस ले चुका हूं। अगर अकल से काम लोगे अपनी और हर महाज पर जीत की ख्वाहिश है तो हमारे इत्तेहाद के इस मुआहदे में बददियानती न करना कभी। जो दुश्मन सूरत में तुमने देखे हैं वो गर्दो गुबार से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये गर्दो गुबार हवा के साथ उड़ जाता है लेकिन चट्टान अपनी जगह कायम रहती है। समझ गए मेरी बात? मुझे इजाजत दो अर्तुरुल, के लिए वापस जाना होगा। आप बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल कहां है? अंदर हैं। कमांडर ड्रैगोस, आखिर तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्तुरुल के साथ जश्न मनाने आए हो क्या? जश्न मनाने नहीं अलंजक, केले और सऊद के ताल्लुकात के बारे में बात करने आया था। यहां का निजाम तब्दील हो चुका है, जो मेरी जिम्मेदारी है वो पूरी करने आया था। मेरे बनाए गए निजाम को कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने तुम्हारे साथ इत्तेहाद किया था, अगर तुम्हें कोई मसला है तो मेरे पास आओ। मेरी नजर में इस फैसले की कोई अहमियत नहीं। मुझे खबर किए बगैर अगर कोई भी सऊद पे कब्जा करेगा तो वो मारा जाएगा। लोमड़ी की मौत का सबब पोस्तीन और इंसान की मौत का सबब उसके गद्दार दोस्त होते हैं। मेरे दिए हुए हुक्म को मुझसे मर्तबे में बुलंद शख्स ही तब्दील कर सकता है। कौन है मर्तबे में बुलंद शख्स मुझसे यहां जो निजाम बदल दिया तुमने? इंसाफ अभी बाकी है अलंजक, ये इंसाफ हर किसी को अपना हक दिलाकर रहता है। मैंने अपना हक वापस लिया है। हमारे दरमियान मुआहिदा हुआ था अर्तुरुल, मैंने तुम्हारा उताक और कबीला वापस किया था, लेकिन तुमने सरदार आला का मनसब वापस ले लिया।
मैंने तुमसे कहा था कि अपना हक वापस लेकर रहूंगा मैं। मैंने जो कहा था वो कर चुका हूं। हमारी रिवायात में तलवार का हक सिर्फ तलवार से लिया जाता है। अगर मुझसे इस पर जवाब तलब करने आए हो तो जान लो कि तैयार हूं मैं। कहा था तुमसे हम वो हाथ थाम लेते हैं जो दोस्ती की नीयत से आगे बढ़े और जो दुश्मनी से बढ़े उसे काट देते हैं। सोच एक तो मंजिल भी एक, साहिब फिक्र इंसान की मंजिल भी अजीम होती है। जिस तरह हम इस दुनिया को फतह करने पर आमादा रहे उसी तरह तुमने अपना हक वापस ले लिया। तुमने अपने हक की हिफाजत एक शाहीन की तरह की जो बेरहम शिकारी से हर मुमकिन कोशिश करता है अपने घोंसले को बचाने के लिए। मुझे ऐसे ही सरदार की जरूरत है। महसूलात हमारे तय करदा असूलों के मुताबिक जमा किए जाएंगे। इनमें कोई भी रद्दो बदल मंजूर नहीं होगा, हमें कबूल है। देखते हैं कि मेरी इस अजियत के आगे तुम कब तक ठहरते हो और क्या तुम्हारी इस्तकामत बाकी रहेगी। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ साम? कुछ तुर्कुत सुलेमान की तलाश में गया है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। हुक्म करें क्या करना है भाई। वो उस माफीनामे को हासिल करना चाहते हैं। सुलेमान की हिफाजत के लिए जो सिपाही हमने भेजे थे उन्हें मार दिया है दुश्मनों ने। सरजान, बेटी ठीक तो हो तुम? बेटी